हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की 5th एक्सरसाइज के कुछ एग्जांपल्स करने जा रहे हैं, जिसमें हम 1 1 on 2 करना सीखेंगे। 1 1 on 2 आप सीधे कंसेप्ट से भी कर सकते हैं, 1 1 on 2 की डेफिनेशन के हिसाब से, या फिर 1 1 जो है वो आप नॉन सिंगुलर की डेफिनेशन से भी कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं आपको बता दूँ कि आपको सिर्फ 1 1 प्रूव करना है, 1 1 किसी ट्रांसफॉर्मेशन को, तो आपको सबसे पहले लेट करके चलना पड़ेगा कि टी एक्स इक्वल है टी वाई के, और प्रूव क्या करना पड़ेगा, देन उसके बाद बताना पड़ेगा कि एक्स बराबर है वाई के। अगर ये चीज़ आप कर देते हो देन टी इज़ 1 1, टी जो है वो मेरा 1 1 हो जाएगा। अगर आपको ऐसा नहीं करना तो आप एग्ज़ाम्पल जो आपने थ्योरम की थी लास्ट सेकेंड या थर्ड लेक्चर इस वीडियो से पहले का, तो उसमें हमने किया था टी इज़ 1 1 इफ़ एंड ओनली इफ़ टी इज़ नॉन सिंगुलर। अगर टी मेरा नॉन सिंगुलर है देन हम बोल सकते हैं टी 1 1 भी है। तो जहाँ मुझे 1 1 आएगा तो मैं नॉन सिंगुलर मतलब टी वी इक्वल्स टू 0 लेके चलूँगी, लेट करूँगी, और वी इक्वल्स टू 0 है ये प्रूव कर दूँगी, देन मेरा टी क्या हो जाएगा, नॉन सिंगुलर। अगर टी वी 0 है और वी 0 के इक्वल आ जाए देन टी नॉन सिंगुलर, अगर नॉन सिंगुलर है देयरफॉर टी इज़ 1 1। तो मैंने कंसेप्ट पहले बता दिया है कि 1 1 सिंपली 1 1 करना तो ऐसे भी कर सकते हो, अदरवाइज़ आप ये वाला मेथड भी लगा सकते हो 1 1 का। तो अब हम एग्जांपल देखते हैं, एक जैसे कि ये एक एग्जांपल देख लो आप, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है टी आर स्क्वायर से आर में जा रही है, देखिए टी मेरे पास ट्रांसफॉर्मेशन है जो कि आर स्क्वायर से आर में जा रही है। ट्रांसफॉर्मेशन काम कैसे कर रही है, एक्स वाई का आंसर मुझे सिर्फ क्या मिलेगा, एक्स मिलेगा, ठीक है। तो इसको प्रूव करना है कि ये 1 1 नहीं है, तो मैंने लेट कर लिया, 2 एलिमेंट्स ले लिए, एक तो एक्स 1, y1 और एक ले लिया x2, y2। ये 2 एलिमेंट्स हैं आर स्क्वायर वाली साइड से। तो टी में मैंने x1 y1 पुट किया, बराबर ले लिया, लेट तो करना ही पड़ेगा, दोनों बराबर है, टी को x2 y2 के इक्वल ले लिया। टी x1 y1 का मतलब है x1 और टी x2 y2 का मतलब है x2। क्यों, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन ही ऐसी है कि सिर्फ पहला एलिमेंट आंसर मिलेगा। तो मतलब टी x1 y1 का आंसर x1 है, टी x2 y2 का आंसर x2 है। अगर x1 बराबर है x1 बराबर है x2 के, देन क्या आप कह सकते हो कि x1, y1 बराबर है x2, y2 के? बिल्कुल नहीं। क्यों, कि सिर्फ x1 पहला एलिमेंट बराबर होने से दूसरा बराबर थोड़ी हो जाएगा। अगर मैं बोलूँ 2 3, तो जैसे कि मैं बता रही थी कि x1, y1 क्या x2, y2 के बराबर होगा, अगर x1 बराबर है x2 के, नहीं ना, क्योंकि y1, y2 बराबर है या नहीं ये तो हमारे पास कहीं से भी नहीं आया। जैसे कि मैं कह सकती हूँ कि 2 3 बराबर है 2 5 के, ऐसा पॉसिबल है, कभी भी नहीं। क्यों, 2 2 के बराबर होने से 3 5 थोड़ी बराबर हो जाएगा, तो इसीलिए ये 1 1 नहीं है। क्यों, टी एक्स वन वाई वन बराबर है टी एक्स टू वाई टू के, लेकिन x1 y1 थोड़ी ना बराबर है x2 y2 के, इसीलिए ये नॉट 1 1 है, 1 1 नहीं है। इसी तरह से इसको ऑन टू भी प्रूव करना है कि है या नहीं चेक करना है। तो मुझे पता है ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब है टी एक्स इक्वल्स टू वाई, तो आर स्क्वायर से आर में मैपिंग हो रही है, ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो आर स्क्वायर से आर में हो रही है, तो आर का कोई भी रियल नंबर उठाऊंगी। तो मुझे पता है कि अगर मैं टी एक्स वाई लेती हूँ जो कि किसके इक्वल है, एक्स के इक्वल, तो ऑन टू का मतलब क्या होता है कि आर स्क्वायर का अगर कोई भी एलिमेंट इसके साथ प्री इमेज उसकी एग्जिस्ट करे। तो सिंपल सी बात है, अगर मैं 1.5 भी लेती हूँ रियल नंबर, तो इस साइड में उसका क्या लिख सकती हूँ, 1.5 समथिंग जो मर्ज़ी मेरा मन चाहे वो मैं लिख सकती हूँ, तो ट्रांसफॉर्मेशन के बाद तो वो 1.5 ही बनेगा ना। तो इस तरह से 2.5 अगर मैं आपको दूँ तो आप इस साइड कोई भी अपनी मर्ज़ी का 2.5 C इस तरह से एलिमेंट ले सकते हो। तो ऑन टू का मतलब है जब हम इमेज वाली साइड के एलिमेंट को लेकर चले और उसके लिए प्री इमेज डिफाइन हो पाए, सच दैट देयर एग्जिस्ट क्या वाई जो कि किस साइड से है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ
एक्स वाई, मैं साफ पेज पे इसको लिख के दिखाती हूँ आपको। जैसे कि हम मान यहाँ पे साफ पेज पे लिख के दिखाती हूँ, जैसे कि ट्रांसफॉर्मेशन है मेरी एक्स वाई से एक्स आंसर देगी, मतलब आर स्क्वायर से आर ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है। तो सिंपल सी बात है, मैं लेट कर लेती हूँ कि आर वाली साइड का एक एलिमेंट है ए, जो कि इसको बिलोंग कर रहा है इस रेंज वाली साइड को। तो रेंज वाली साइड को अगर बिलोंग कर रहा है तो मतलब ये किसी ना किसी एलिमेंट की इमेज है ना। तो किसी ना किसी एलिमेंट की इमेज है, लेकिन वो एलिमेंट क्या है ये पता करना है मुझे। तो सिंपल सी बात है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्स वाई, तो एक्स इक्वल्स टू ए, तो मतलब एक्स आप ए ले लो, जहाँ पे एलिमेंट में एक्स था, एक्स वाई कहाँ से लिया था मैंने, आर स्क्वायर में से। तो एक्स वाई में एक्स जो है उसको आप ए ले लो, यानी कि जो इमेज लेके आनी है वो ले लो, वाई आपकी मर्जी है, जो मर्जी लेते रहो। तो ये एलिमेंट जो है आर स्क्वायर का, यही वो एलिमेंट है जिसकी इमेज पक्का क्या आने वाली है, ए। तो मतलब ऑन टू है, अगर मैं इमेज को देख के प्री इमेज डिफाइन कर पा रही हूँ, दैट मीन्स टी इज़ ऑन टू। ऑन टू में सिर्फ इतना करना होता है कि इमेज का कोई एलिमेंट लेट करना होता है और ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करके उस एलिमेंट को इन टर्म्स ऑफ एक्स वाई वैल्यू फाइंड करनी होती है, उस वैल्यू को उठा के वापस रखना होता है। तो ये मेरा ऑन टू, यानी कि इस एलिमेंट की इमेज जो है ए आएगी, इसीलिए हर इमेज के लिए प्री इमेज एग्जिस्ट कर रही है, इसलिए टी इज़ ऑन टू।